तो दोस्तों बिहार पुलिस का री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में, और आप लोग तैयार भी होंगे एग्जाम देने के लिए। लेकिन एग्जाम देने से पहले दिमाग में एक ही बात चलता है कि भैया क्या करें, क्या ना करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट को रिविजन करें और कट ऑफ कितना रहेगा, यानी कितना करके आना है ना। तो आपको पता है कि भैया इस बार थोड़ा एग्जाम भी होने वाला है तो कड़ाई से होगा, और इसलिए कट ऑफ कितना जाएगा और कितना आप कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हमें यहाँ तक मेहनत करना है। तो आज ये इसी चीज पे बात करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझिए कि कट ऑफ निकालने के लिए क्या क्या चीज पे ध्यान दिया जाता है। पहला, पद की संख्या कितनी है, और दूसरा, फॉर्म कितना लोग भरे हैं, और तीसरा, पेपर हार्ड है या आसान है। इन तीन चीजों के क्राइटेरिया से मिलाया जाता है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहला क्या है कि पद कितना है, तो 21,391, ठीक है। अब अगर इतना पद है तो भाई फॉर्म कितना भरे हुए हैं, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए आप फॉर्म कितना भरे हुए, 19 लाख, बहुत बेरोजगारी है भाई 19 लाख, नहीं तो कितना बिहार एसएससी में तो और ज्यादा ज्यादा जाता है। तो चलिए 19 लाख लोग भरे हैं। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या 19 लाख लोग जो फॉर्म भरे हैं वो एग्जाम देने आएंगे टोटल के टोटल, तो ऐसा नहीं होता है। लगभग 10% 20% लोग नहीं आते हैं, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका 19 लाख में लगभग 15 लाख लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 15 लाख लोग आते हैं और 21,000 वैकेंसी है, तो कितने लोग का सिलेक्शन होगा फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में कितने लोग का रिजल्ट आने वाला है। तो यहां पर देखिए साफ कहता है कि जितना पद है उसका 5 गुणा, ठीक है ना, उसका 5 गुणा रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए। तो टोटल कितने हो जाते हैं, लगभग 1,07,000 लोगों का चयन होगा, ठीक, चयन होगा। तो ये आपने देख लिया कितने लोग भरे हैं, कितना पद है और कितने लोग का चयन होने वाला है। तो आगे अब समझते हैं यहां पे क्या कहता है कि इस बार जो आपका बोर्ड है CSBC, इन्होंने कहा कि भैया बहुत कड़ा निर्देश दिए हैं कि इस बार एकदम एग्जाम लेना है ना, बहुत अच्छे से लेना है, ठीक है। अब अच्छे से मतलब का है कि इतना पेपर लीक हुआ है नीट ट्वीट का, इतना हो हल्ला हो चुका है कि अगर अब लीक हुआ ना तो बड़ा बदनामी हो जाएगा। तो एक बदनामी से बचने के लिए सरकार को क्या चाहिए, भैया पेपर कम लिखो, ठीक। इसीलिए इस बार बड़ा कड़ाई से बड़ा नियमानुसार सिस्टम से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट में अगर आप जाते हैं ना तो सुनने को मिल ही जाता है कि इतना में पेपर दे देंगे, तो इतना का सीट इतना लाख में, अभी भी यही हाल है। बिहार है, थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन कितनों कड़ाई का मार्केट में सुना जा रहा है, तो वो भी मार्केट में सुना जा रहा है कि इतना इतना है। लेकिन हम एक बात कहेंगे, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप पक्का बाजी मारिएगा। लेकिन देखिए इस एग्जाम में नहीं मारे तो अगले एग्जाम में निकाल लेंगे, लेकिन आप पढ़ना जरूर चाहिए। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, 8 लाख फेंकेंगे बस हो जाएगा। तो भैया 8 लाख फेंक कर बिहार पुलिस का नौकरी करने से क्या फायदा आपको, अपने पैसा 4 साल बाद निकालिएगा, 4 साल तक निकालिएगा, तो इससे अच्छा अगर बिजनेस कर ले आदमी। और एक चीज और भी है, आपको वो विश्वास वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो सीट खरीद के किया है, और कभी भी लगेगा ना कि ले भी लिया कहीं जांच ना हो जाए, तो कभी ये ना हो जाए, हमेशा टेंशन में रहिएगा। इससे अच्छा ना कीजिए, ठीक ना, इससे अच्छा ना कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है अगर कड़ाई से होता है एग्जाम तो भाई पढ़ने वाले ही बाजी मारेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए एक चीज बताते हैं, अगर पेपर लीक होता है, मान लेते हैं कि जो पिछला एग्जाम हुआ पेपर लीक हुआ, तो उसका कट ऑफ आई जाएगा कितना, तो 90, 95, 100 कोई कोई करके आ जाए। जो बेचारे जो पढ़ने वाला था, क्योंकि कितना भी पढ़ने वाले लोग होते हैं तो 100 में 70 ले आते हैं तो समझ लीजिए कि ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन 100 में 60 भी लाते हैं तो समझ लीजिए कि तेज लड़का है। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि 100 में 100 ले आए, तो पेपर लीक वाला बात होता है। लेकिन अगर लीक होता है तो कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन अगर लीक नहीं होगा तो नेचुरल हम साफ कहते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, लो जाएगा, यानी कम जाएगा। अब कितना जाएगा उस पर बात करते हैं, इसी के लिए इंतजार भी कर रहे थे ना आप लोग। तो यहां पे देख लीजिए, एक तरफ मैंने मेल दे दिया है, एक तरफ फीमेल दे दिया है। अगर हम जनरल की बात करें तो 57 से लेकर 62 के बीच में जा सकता है, और उसमें अगर फीमेल की बात करें तो 48 से लेकर 53 के बीच में, और EWS ये भी लगभग लगभग, क्योंकि आजकल आसपास रहता है, ज्यादा अंतर नहीं है, पहले थोड़ा अंतर रहता था लेकिन अब अंतर थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे 52 से लेकर 57 के बीच में, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 44 से लेकर 53 के बीच में रहेगा।
बीसी की बात करें तो 53 से लेकर 58 तक और यहां पर 45 से लेकर 49 के बीच में रहेगा। और अगर हम बात करें यहां पे ईबीसी तो 50 से 55, मतलब इसमें अगर देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है। आप इतना मान के चलिए कि 55 से लेकर 60 के बीच में हमको आपको करना है। और यहां पे देखिए महिलाओं के लिए 38 से लेकर 43 तक, और यहां पे एसटीएससी की बात करें तो 49 से लेकर 54 तक, और यहां पे देखिए 36 से लेकर 41 तक, और एसटी की बात करें तो 50 से 55 और यहां पे 40 से 45। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपको 55 से 60 लाना होगा तब आप सेफ जोन में है। अगर 60 से ऊपर ले आते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर 55-60 लाते हैं थोड़ा सेफ जोन में आप मानेंगे अपने आपको, 60-70% आप मानिएगा जोन में। और अब महिलाओं की अगर बात करें तो यहां पे अगर वो 50 ले आते हैं तो भाई वारे नहीं आ रहे, फिजिकल दीजिए। तो ये कट ऑफ होने का अनुमान है। तो और अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैं बता दूं, जैसे थोड़ा सा मैंने एक यहां पे नोट्स दिया हुआ है कि ये है आपका एनसीईआरटी नोट्स है, एनसीईआरटी सार संग्रह है, जीएस बुक है बहुत सारे, और हैंडराइटिंग नोट्स है, जीके स्टैटिक्स है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बहुत सारे पीडीएफ है, 1500 पीडीएफ है। तो यहां पे मैं बता दूं कि देखिए अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी भी वो लोग फॉर्म भरते हैं, फिर दरोगा भी आने वाला है, फिर बिहार पुलिस और आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो एनसीईआरटी को जरूर कवर करें। और एक चीज और भी है, ये सहयोग राशि है, मतलब 1500 पीडीएफ है तो आपको सहयोग राशि के रूप में 299 रुपए है, लेकिन एक मेरे तरफ से फ्री ऑफर है, गिफ्ट है, और वो फ्री क्या है आपके लिए है, 10 सेट जो है आपको मिलेगा बिहार पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस का 10 सेट आपको मिलेगा फ्री, यानी इसके साथ। और ये सहयोग राशि अगर आपको देना हो तो दीजिए, इच्छा है नहीं तो बाकी आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर आपको बिहार पुलिस निकालना है तो क्या करें। तो सबसे पहले आप देखिए जो एग्जाम कैंसिल हुआ था तो उसमें जो पेपर आपने देखा होगा भैया, दरोगा से भी ज्यादा हार्ड था, दरोगा उससे ज्यादा आसान था, जबकि बिहार पुलिस हार्ड था। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भैया आपका जितना ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं वो पेपर को और ज्यादा हार्ड करता है, लेकिन फिर भी आप उस पेपर को गौर से देखिएगा तो वो क्वेश्चन कहां से आए थे, तो ध्यान दिए होंगे वो विविध से था। अगर आप लुसेंट का विविध क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर है, यानी अभी भी हमें कहेंगे कि लुसेंट आपके पास होगा ही, ज्यादा अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मत पढ़िए। अब बस क्या है कि इस पे आप सरसरी निगाह से जरूर देखिए, जैसे दिवस, पुरस्कार, किस पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, सेना से संबंधित, और आपको ये आपका उपग्रह से संबंधित, इन सब चीजों को जरूर देख लें, ठीक है, इसको कवर करें। मैथ के लिए हम एक ही बात करेंगे कि मैथ का भी आप प्रीवियस देखकर आइए और वहां पे देखिए किस लेसन से सबसे ज्यादा पूछता है, उस लेसनों पे थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। और इस तरह से आप आराम से, मतलब आप ज्यादा ना पढ़े, और हम एक ही बात कहेंगे, टेस्ट जरूर दिया कीजिए अगर आपके पास समय है, यानी अगर 7 तारीख को नहीं है, आगे समय है तो कहीं और कोचिंग में ज्वाइन करके, मतलब आसपास से कोचिंग में ज्वाइन करके 10 लोगों के बीच में 20 लोगों के बीच में 50 लोगों के बीच में बैठ कर दे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं, क्योंकि वो फील आता है एग्जाम वाला, तो वो जरूर लिया कीजिए। अगर आप अकेले बैठ के देते हैं तो आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन देख लेता है आदमी के, इसका आंसर क्या होगा, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि आप हम लोग खुद अपने आप से भी चीट करते हैं। तो इसीलिए कभी भी भीड़ में, यानी लोगों के साथ बैठ के दीजिए, तब वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफलाइन भी टेस्ट देते हैं और आपका 60 आ रहा है, ठीक ना, 60% लगभग आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन में एकदम बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं और इस तरह से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, लेकिन मेरे तरफ से आपके लिए भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक।